भैया कैमरा यहाँ पर आवाम की जरूरतों के हिसाब से उसके मद्देनज़र जहाँ पर तरक्याती काम तेज़ी से चल रहे हैं, सिक्योरिटी की सुरक्षा से क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू लिया जाता है। और पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस के लिए नहायत ज़रूरी है, इसके बढ़ते हुए कद और बढ़ते हुए साइज़ के हिसाब से उनको एडिशन, रिपेयर, रेनोवेशन, उस तरह के काम जो हैं वो होते रहते हैं। आज के इस विजिट में मीरगुंड से शुरू करके मीरगुंड चौकी नई तमीर करी, कुछ रिपेयर रेनोवेशन हुई, उसकी इनॉगरेशन हुई, उसके बाद रास्ते में एसएसबी और जवानों के साथ पट्टन में दरबार हुआ, जहां पर जीआईसी रेनोवेट हुई, उसके अलावा कुछ नाके नए तमीर हुए, जवानों के खाने की जगह, डाइनिंग हॉल, रिक्रिएशन की जगह, रहने की जगह, चाय पानी की जगह और ऑपरेशन करने की जगह, वो सब रेनोवेट हुई, कुछ जगह पे नए एडिशन हुए, उन सबको इनॉगरेट किया गया। और साथ ही साथ ये पूरी रेंज के ऑफिसर्स इस वक्त हाजिर हैं। बाकी जिलों की सुरक्षा की क्या इस वक्त सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास किस तरह के हालात हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला हमारे साथ हैं, इनके तावन से जो जहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, आज हमने हमारे शहीद साथी बिंदास के नाम पे बिंदास चौक का भी इनॉगरेशन किया। आप जानते हैं वो शहीद साथी जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो शहीद साथी जिसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी पेश करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद उड़ी के पहाड़ी के मकाम में उनके घर पर गए और परिवार के साथ ताजियत की, तो इन सब चीज़ों को देखने करने का जो आज मौका मिला है। और कुछ चीज़ें अभी थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी के नज़रिए से और रिव्यू में आएंगी, उसके बारे में चर्चा होगा। सर, कश्मीर फाइट ब्लॉग लगातार एक्टिव है, उस चीज़ को क्रैक करने के लिए क्या किया जा रहा है? कश्मीर फाइट ब्लॉग लगातार एक्टिव है। कश्मीर फाइट ब्लॉग बेसिकली जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, उस खेल को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। तो मौत का खेल जो आईएसआई के इशारों पे कश्मीर के लोगों ने लगभग 30 साल से ज़्यादा वक़्त देखा है, वो दरिंदे जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति, अमन, खुशी, खुशहाली नहीं देख सकते हैं, ये उनका ब्लॉग है, ये इनका ब्लॉग है, जो जहाँ पर हंसते खेलते चेहरों को देख नहीं सकते, जिनको मौत का मातम पसंद है, ये उनका ब्लॉग है। इसीलिए वो जब भी कोई अच्छी बात यहाँ पर होती है, आज अगर 4 साल से पिछले से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, उनके पेट में दर्द है। आज अगर मीडिया वाले आप लोग पाकिस्तान की दी हुई आवाज़ को आगे बुलंद नहीं करते जहाँ वो बात